नमस्कार, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस के रवैये से परेशान होकर एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदू युवा वाहिनी की देखरेख में धर्मगुरु ने हवन कराकर 13 लोगों को विधिवत रूप से हिंदू धर्म स्वीकार कराया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने SDM को इस संबंध में शपथ पत्र भी सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अख्तर अली से धर्म सिंह बने परिवार के सदस्य ने बताया कि उन्होंने अपना धर्म इसलिए बदला क्योंकि पुलिस उनके मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी जी के भारत में मुस्लिमों के साथ सही व्यवहार नहीं होता है और उन्हें न्याय चाहिए। इस बारे में जब जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़ौत तहसील में कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके शपथ पत्र दे दिया है। हत्या के एक मामले की पड़ताल से पीड़ित लोग संतुष्ट नहीं थे। अख्तर का आरोप है कि कई माह पहले उसके बेटे गुल हसन की हत्या कर उसे आत्महत्या का आरोप देने के लिए शव फांसी से लटका दिया गया था। बार बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने भी इसे पड़ताल में आत्महत्या मान लिया। बागपत कोतवाली पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिला। अख्तर परिवार के साथ तहसील पहुंचा और SDM को शपथ पत्र दे दिया। शपथ पत्र में उसने लिखा कि उसके परिवार के सभी लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए हैं। युवा हिंदू वाहिनी के अनुसार मंगलवार सुबह बदरखा गांव में हवन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसमें विधि विधान के साथ मुस्लिम परिवार के 13 लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसमें अख्तर अली के साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुछ मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन किए जाने की जानकारी उन्हें मिल गई है। वह इस मामले की जांच करा रहे हैं। दोस्तों, खबर स्टेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।